हाल है इंशाल्लाह, आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज यौम आशूर का दिन है, तो अपने अपने घरों में सब हम मुसलमान इबादत करते हैं, तो एक दूसरे के लिए दुआ गो भी रहते हैं। तो आज माशाल्लाह मेरी बेटी ने पहले ख़त्म शरीफ कर लिया है, जो आज के दिन इन्होंने बख्शना है, और सूरत यासीन इकतालीस बार उसने पढ़ लिया है। रोज़ा मैं नहीं रख सकी क्योंकि मुझसे रोज़ा नहीं रहता, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए मैं नहीं रख सकी। तो माशाल्लाह मेरी बेटी ने रखा है, अल्लाह ताला ने इन लोगों का रोज़ा मंजूर कबूल करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अल्लाह पाक हर एक की खैर करे। तो न्याज मैंने दिया है, न्याज अभी मेरे बेटा लेने गया है, तो घर पर मैंने नहीं बनाए, बहुत गर्मी है। एक तो गैस भी नहीं आ रही थी, तो गर्मी है, नामी को और दसवीं को गैस का बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है, कोई भी जुगाड़ लगा लेना गैस नहीं लगती। तो न्याज मैंने बाहर से बनवाई है, तो मेरे बेटा लेने गया है, तो साथ हम मीठा बनाएंगे और भी बनाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इस दिन में अच्छे तो अच्छा बनाना चाहिए है, खाना चाहिए है, बच्चों को खिलाना चाहिए है, एक दूसरे को खिलाना चाहिए है, क्योंकि हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, हम साया को देना चाहिए है। तो इसलिए मेरे घर में माशाल्लाह बहुत पकता है, ये इसमें कोई शक नहीं है। तो आज मैं गैस अभी तक नहीं आ रही हमारी, मैंने चाय भी नहीं पी है, तो अभी तक गैस नहीं आ रही है। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, सुबह के 11 बज चुके हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तो मैं ना यार हुसैन के नारे लगाती हूँ, तो मेरा मुन्ना भी लगाती है, तो मोहम्मद अली भी अपनी ना आवाज़ में अपनी सुन रही है। मोहम्मद अली क्या बोल रहे हो, अली जान क्या बोल रहे हो, इधर देखे ना, बोलो या हुसैन, या हुसैन बोलो ना। चलिए काम कर लेते हैं, शुरू करते हैं। ये हमने जर्दा साथ बनाया है, चावल देख के हमने न्याज दिया, उसके चावल है, तो साथ आलू गोश्त बनाया है, ये खीर हम सारे लोग से आती रही है, तो वो है हमने नहीं बनाई क्योंकि हमारे यहाँ गैस नहीं थी। आज दसवीं के दिन इतनी गैस की परेशानी थी ना, जितना कोई आके, ये मेरी बेटी सालन ते जर्दा भाई जान के घर में बना कर लाई है, क्योंकि गैस हमारे यहाँ नहीं थी, तो फिर वही बना कर लाई है। तो अब अफ्तारी का टाइम है, बच्चों की अफ्तारी भी है, तो बच्चे माशाल्लाह अफ्तारी करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट देना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।